हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मुझे ना काफ़ी टाइम से फेसबुक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि एक्चुअल में हम लोग अपना फेसबुक अकाउंट कैसे यूज़ करते हैं, या फेसबुक अकाउंट के अंदर हम लोग अपने प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, या फेसबुक के अंदर लॉगिन ऑप्शन कैसे कैसे हैं, हम अपनी कोई नई ईमेल आईडी इंसर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोगों को अपना फ़ोन नंबर अगर अप्रूव करवाना हो फेसबुक में, या कोई प्राइवेसी सेटिंग्स डालनी हो, या फेसबुक के अंदर स्पेशली ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग फेसबुक से अपने बिजनेस को एडवर्टाइज़ कैसे कर सकते हैं, मीन्स फेसबुक एडवर्ट्स क्या है, फेसबुक के अंदर और नई नई कौन सी सिक्योरिटी लेयर्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोग बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, या फेसबुक में हम अपना पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रीज़ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे को इन कंट्री से व्यूज़ आएँ और बाकी किसी कंट्री से व्यूज़ ना आए। तो ऐसे फ्रेंड्स, मेरे पास ना बहुत सारी मेरे ब्लॉग के ऊपर क्वेरीज इकट्ठी हो गई थी, तो अब मैंने क्या किया, फेसबुक के एकिंग सेटिंग ऑप्शन को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड्स मैं अपनी इन वीडियोज़ के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट माई वीडियोज़ ऑन फेसबुक टिप्स। हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फेसबुक सेटिंग ऑप्शन और मैं आपको इस वीडियो के अंदर फेसबुक की सिक्योरिटी एंड लॉगिन ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स देखिए, फेसबुक की जनरल एंड सिक्योरिटी जनरल सेटिंग्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। अब फेसबुक की सिक्योरिटी एंड लॉगिन देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं फेसबुक की सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर दिखा रहा हूँ, आपको देख रहे होंगे आप यहाँ पे, आप दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, विंडोज़ पीसी जो मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम मैं अपने डेस्कटॉप पीसी को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे एक्टिवेट नाउ आ रहा है, और जो मेरे पास सेलफोन है ओप्पो F1S, तो ओप्पो F1S में भी मैं एक्टिवेट रहता हूँ क्योंकि मैं अपने फेसबुक को अपने मोबाइल के साथ यूज़ करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है वो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए लॉगिन ऑप्शन के अंदर अगर आप फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास है, आप एडिट करके फेसबुक के पासवर्ड को आप अपना करंट पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं उसको आप रीटाइप करके आप अपने फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। द सेकंड लॉगिन मींस लॉगिन इज इन यूजिंग योर प्रोफाइल पिक्चर। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर से लॉगिन करना चाहते हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड्स आजकल जब हम लोग डेस्कटॉप पे फेसबुक यूज़ करते हैं तो अगर मैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को देख कर फेसबुक का पासवर्ड डालना चाहता हूँ तो देखिए मैंने अपने लॉगिन को ऑन किया हुआ है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो मुझे अपने बार बार अपने फेसबुक की आईडी और पासवर्ड दोबारा डालना पड़ेगा, बट मैंने इसको ऑन रखा हुआ है, इट मीन्स क्या है कि मुझे बार बार अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट नहीं करनी पड़ती, मेरे डेस्कटॉप पीसी पे मेरी पिक आ जाती है facebook.com डालते ही, और जैसे मैं उसको ऑन क्लिक करके पासवर्ड मांगता है फेसबुक तो मेरा वो लॉगिन हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अगर किसी भी अनरिकॉग्नाइज लॉगिन कहीं से भी होता है या कोई भी अनरिकॉग्नाइज डिवाइस से मेरा लॉगिन होता है, देखिए मैंने वो भी एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा रखी है, उसको भी मैंने ऑन किया हुआ है। यहाँ पे इसको ऑन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ताकि आपका फेसबुक किसी भी पर्टिकुलर अनरिकॉग्नाइज डिवाइस पर यूज़ ना हो। सेकेंड इज नेक्स्ट इज़ यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपकी किसी भी डिवाइस से कहीं पर भी आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फेसबुक की तरफ से एक मैसेज जनरेट होना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट फेसबुक की सिक्योरिटी एंड लॉगिन है, चूज़ 3 to 5 फ्रेंड्स टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू आर लॉकड आउट। अगर बाय चांस मेरा प्रोफाइल लॉकआउट हो जाता है फेसबुक का तो मैं अपने इन फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट करके, देखिए मैं आपको एडिट ऑप्शन में दिखाता हूँ, मैंने अपने इन फ्रेंड्स को फ्रेंड्स की लिस्ट में डाल रखा है, ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं, मैंने इनको इसलिए यहाँ पर इंसर्ट कर रखा है ताकि फ्रेंड्स अगर मेरा फेसबुक का जो अकाउंट है किसी भी टाइम पर अगर हैक हो जाता है या लॉक हो जाता है तो लॉक होने की कंडीशन में मैं इन अपने फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करके अपने फेसबुक अकाउंट को अनलॉक करवा सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ अगर मुझे मेरे फेसबुक के कोई भी अनरिकॉग्नाइज डिवाइस से अगर कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन होता है तो मैं इंक्रिप्ट कर सकता हूँ, मतलब मेरे अगर कहीं पर भी फेसबुक को यूज़ किया जाता है तो वो ईमेल के थ्रू मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसमें मैं एडिट ऑप्शन में जाकर अपनी पीजीपी की इंसर्ट कर सकता हूँ। फ्रेंड्स पीजीपी की पब्लिक की के लिए मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लेंथी कंसेप्ट हो जाता है। फिलहाल के लिए सिक्योरिटी एंड लॉगिन ऑप्शन के अंदर ये जो कॉन्टैक्ट्स थे, जैसे आप अपना रिकॉग्नाइज लॉगिन कर सकते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, अपने 3 से 5 फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं लॉग्ड की कंडीशन में, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइस आप लोगों को फेसबुक के ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाती है। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट फेसबुक सिक्योरिटी एंड लॉगिन ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।